देश की राजधानी दिल्ली को पानी दिलवाने की मांग को लेकर जल और शिक्षा मंत्री दिल्ली की आतिशी जो हैं वो अनशन पर बैठी थी। पिछले 5 दिनों से लगातार अनशन पर बैठी थी। वहीं आज देर रात उनकी तबीयत बिगड़ गई। दरअसल रात 12 बजे के आसपास जब डॉक्टरों ने चेकअप किया तो उनको कह दिया गया था कि उनका ब्लड शुगर लेवल जो है वो गिर रहा है, तो वो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए तो अच्छा होगा। जिस समय डॉक्टरों ने उनका ब्लड शुगर चेक किया उस समय करीब करीब 45 के करीब उनका ब्लड शुगर था, जो काफ़ी लो था। लेकिन 3 बजे होते होते जब उनका ब्लड शुगर फिर दोबारा से चेक किया गया पोर्टेबल मशीन से, तो वो 36 के करीब आ गया। जिसके बाद उन्होंने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई। वहाँ पर सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह भी पहुँच गए थे। उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई और एम्बुलेंस बुलाकर यहाँ पर LNGB हॉस्पिटल में उनको तुरंत ले लाया गया, जहाँ पर उनको यहाँ पर भर्ती कर लिया गया है और यहाँ उनके बाकी चेकअप किए जा रहे हैं। दरअसल पानी को लेकर लगातार चल रहे घमासान, जो हरियाणा सरकार से की डिमांड, लेकिन पानी की कमी को लेकर जहाँ एक तरफ दिल्ली की जनता त्राहिमाम कर रही है, वहीं आतिशी जो है वो पानी की मांग को लेकर 5 दिन से अनशन कर रही थी। लेकिन अब तक उनके अनशन का कोई फ़ायदा होता हुआ नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ इतना जरूर है उनकी तबीयत और जरूर बिगड़ गई, जिसके बाद उनको यहाँ पर LNGP हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। कैमरामैन कालीकांत के साथ विनय सिंह, News 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।